हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्प में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो आपका KVS JSA का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, टाइपिंग भी हो चुकी है, एग्ज़ाम भी हो चुका है, रीटाइपिंग भी हो चुकी है, सारा कुछ हो चुका है। तो अब इसके हम देखने वाले हैं कि KVS JSA का जो टाइपिंग का रिजल्ट है और साथ ही साथ इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी डेट क्या एक्सपेक्टेड हो सकती है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे टेलीग्राम पर, चैनल पर भी, ठीक है। काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, अब मैं इसको रेगुलर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और इसके बाद भी वीडियो में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस आपके एग्ज़ाम की हुई है। सबसे पहले आपके फॉर्म फिल होते हैं, जो कि आपके 5 दिसंबर से 26 दिसंबर तक होते हैं, फिर इसे 5 जनवरी के लिए बढ़ा दिया जाता था आगे, ठीक है। वो ज़्यादा मैटर नहीं है। एग्ज़ाम कब होता है आपका, तो 1 मार्च से लेकर 5 मार्च के बीच आपका एग्ज़ाम होता है। इसकी जो रिजल्ट आता है वो आता है 28 अप्रैल। अगर मोटा मोटा आप देखें तो 55 से 60 दिनों के भीतर भीतर आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाता है। फिर तुरंत ही इसकी 15 दिन बाद आपकी टाइपिंग करा ली जाती है, जो कि होती है आपकी 13 मई 2023 को, ठीक है, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड वे है, यानी कि इतने कम दिनों समय दिया, बिल्कुल रिजल्ट निकाल के उसको टाइपिंग करा ली, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी होती है, ठीक है, सिस्टम नहीं चलते हैं इन लोगों के, पता नहीं क्या धांधली हुई है, क्या हुई है, क्या चीज़ है, कीबोर्ड ख़राब है, जो भी है। फिर जो कुल मिला के 472 कैंडिडेट कुछ बचते हैं, जिनका ये रीटाइपिंग टेस्ट लेते हैं, CVT और टाइपिंग टेस्ट, जो कि 7 जून को ये नोटिस निकालते हैं और बोलते हैं कि 17 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कि आज हो रही है 22 जून, और 17 जून यानी कि 5 दिन पहले ही आपका एग्ज़ाम यहाँ पर कंप्लीट हुआ था, ठीक है। तो 5 जून मतलब 5 दिन हुए अभी आपके एग्ज़ाम को कंप्लीट हुए। तो अब आपका जो फाइनल रिजल्ट है टाइपिंग का वो कब आएगा, साथ ही साथ जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो कब होगा, वो मैं चलिए आपको एक एक्सपेक्टेड बता देता हूँ, ठीक है। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, बट एक्सपेक्टेड आपको बता सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने लिया है लगभग 2 मंथ का समय, 50 से 60 दिन। अगर हम टाइपिंग टेस्ट इस वाले की अगर माने कि मान के चलिए केवल यहाँ पर 472 कैंडिडेट थे जो इसके पहले कैंडिडेट थे, हो सकता है इनका डाटा इन लोगों ने बना लिया हो, तो अगर 13 मई के हिसाब से अगर ये रिजल्ट निकालेंगे तो आपको जो आपका रिजल्ट है वो 10 से लेकर 15 जुलाई के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 10 से लेकर 15 जुलाई। और आपका जो DB है वो अगस्त के स्टार्टिंग में, यानी कि 15 अगस्त तक आपको DB भी आपका हो जाएगा। बट अगर वो 17 जून को, और ज़्यादातर जो अनुमान है वो 17 जून को ये, कि 17 जून को ये डेट मानेंगे, यानी 17 जून को आपकी टाइपिंग कंप्लीट हुई है और आपका जो रिजल्ट आने के चांस है वो अगस्त के 1st या 2nd वीक में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगस्त के 1st या 2nd वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बात करें जब इसका रिजल्ट आ जाएगा, मान के चलिए, ठीक है, किसी भी कंडीशन में, इस कंडीशन में आया तो मैंने बता दिया कि आपका जो DB है वो कब होगा, जुलाई के एंड में हो सकता है या अगस्त में हो सकता है। बट अगस्त में ही आपका रिजल्ट आ रहा है तो आपका DB कब होगा दोस्तों, तो अगर अगस्त के स्टार्टिंग में आपका आया था पहले या दूसरे हफ्ते में, तो आपका जो अगस्त के लास्ट में जाके या सितंबर के स्टार्टिंग में जाके आपका जो DB है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो आपको हो जाएगा। क्योंकि KVS को बहुत जल्दी पड़ी हुई एग्ज़ाम कराने की, हो सकता है वो बहुत जल्द आपका रिजल्ट देख ले। जैसे 17 जून को हुआ है तो मान के चलिए कि 15 जुलाई तक भी आपको आपका रिजल्ट जो है देखने को मिल सकता है। बट ज़्यादातर जो चांस है कि इसको अगर वो लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं वो अगस्त के 1st या 2nd वीक में आपको रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका भी 2 मंथ के अंदर आया था। तो ये कुछ था दोस्तों, मेरे द्वारा अनुमान लगाया गया था कि आपका जो रिजल्ट है वो आपको अगस्त के 1st या 2nd वीक में देखने को मिलेगा, और DB जो रहेगा वो आपका अगस्त के लास्ट में, सितंबर के स्टार्टिंग में आपको DB देखने को मिलेगा, और लास्ट ईयर के लास्ट में आते आते आपको ये ज्वाइनिंग भी करा देंगे, ठीक है। ये आपका एक एक्सपेक्टेड है। अगर इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है, जैसे वर्क प्रोफाइल क्या रहती है इसकी, सैलरी क्या मिलेगी, काम क्या करना होगा, या फाइनल कट ऑफ किया जाएगी, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में करें। 10 से ज़्यादा अगर आपके कमेंट आते हैं किसी भी टॉपिक पर तो मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।